हेलो गाइस, बोर्ड आवा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी आप लोग एस्पिरेंट हैं जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर परेशान हैं, जो बीएड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में देखिए हम सेट वन आप लोग का कंप्लीट करवाने जा रहे हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसी प्रकार से मैं आप लोग का दस सेट कम से कम कम्प्लीट कराने का सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन हैं, तो आप लोग याद रखिए कि जो भी मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ आप उसको देखते चलिए, साथ में करते चलिए और ज़्यादा डीप जाने का जरूरत नहीं है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत डीप है, आपको आगे जाके ये पढ़ना ही है। तो जो जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं कि आ सकते हैं वो मैं सीरीज यहां पे कंप्लीट करवा रहा हूं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर आपको ज्यादा चिंता नहीं करना है, आप हमारे साथ बने रहें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड भी एक चैनल और बनेगा, वो कौन सा चैनल है मैं बता दूंगा, पिन कर दूंगा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना वो वाला चैनल। तो चलिए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि वीडियो को देखने के साथ साथ याद भी करते चले, तो देखोगे और सुनोगे तो ही याद होगा, सिर्फ देखते चलिएगा और सुनते भी चलिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहां से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि विच इंस्टीट्यूट डेवलप्स द कैंपेनिंग टीचिंग लर्निंग एंड टीचिंग एड्स फॉर एडल्ट लिटरेसी। यहाँ पे याद रखिए कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने बताया है, ठीक है। तो आप लोगों को कन्फ्यूज़ होने का दिक्कत नहीं है, हिंदी भी करवा रहा हूँ और इंग्लिश मीडियम वालों को भी करवा रहा हूँ, तो दोनों को कंबाइन करवा दे रहा हूँ। तो चार ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है, NCERT, SCERT, DPEP और SRC। हिंदी मीडियम वालों के लिए देख लीजिए कौन सा संस्थान वयस्क साक्षरता के लिए अभियान शिक्षण सीखने और शिक्षण सहायक सामग्री विकसित करता है। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, SRC, ठीक है। तो इसको आप लोग देखते चलिएगा कि कौन सा ऐसा संस्थान है जो करता है ये सारी चीज़, तो SRC है ना। याद रखिएगा कि विच इंस्टीट्यूट डेवलप्स द कैंपेनिंग टीचिंग लर्निंग एंड टीचिंग एड्स फॉर एडल्ट लिटरेसी, तो SRC हो जाएगा। आप लोग को जो मैं होमवर्क देता जा रहा हूँ वो करते जाइएगा, SRC का फुल फॉर्म आप लोग को देख के लिख लेना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को साथ साथ करते चलना है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि हु सेड दैट स्कूल इज़ ए कोऑपरेटिव बॉडी, किसने कहा है। यहाँ पे देखिए हिंदी में किसने कहा है कि विद्यालय एक सहकारी संस्था है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे सारे आते ही आते हैं, तो देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया आपको, पेस्टोलॉजी रायबर्न गांधी जी और रूशियो। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, रायबर्न इसका आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, रायबर्न इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए तो ये देखिए ये फैक्ट्स जो स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको बहुत स्कोरिंग होते हैं, अगर ये आपको याद रहेगा ये सारे क्वेश्चंस तो आप लोग आराम से अच्छे से मार्क्स ले आ पाओगे, बाकी से आगे निकल जाओगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग जब देखोगे सुनोगे तभी याद रहेगा। तो किसने कहा था कि विद्यालय एक सहकारी संस्था है, तो रायबर ने। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को दोनों को मैं साथ लेकर चल रहा हूँ। कि देखिए यहाँ पे अगला क्या पूछ रहा है कि विच इज़ द स्टेट लेवल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर एजुकेशन, है ना। तो ये सारे जो ऑप्शन आए हैं सभी का फुल फॉर्म एक बार जरूर देख लेना, फिर से मैं बता रहा हूँ ये सारे का फुल फॉर्म आप लोग को देखना है। जो जो बोलता हूं इस वीडियो के साथ साथ लिखते चलिए, कॉपी में नोट करते चलिए। अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छा कॉलेज लाना है, लेना है, तो ये सारे काम कीजिएगा तो जरूर मिलेगा। कॉपी लेके चलिए साथ में, जो जो मैं बोल रहा हूं साथ साथ करते चलिए, सारे के फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, फुल फॉर्म। अब देखिए पूछ रहा है कि शिक्षा के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तरीय परिषद कौन सी है, तो राज्य स्तरीय यहाँ पे परिषद का बात किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा SCERT। क्या हो जाएगा, SCERT, ये स्टेट के लिए होता है, याद रखिएगा SCERT इसका ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ईश्वरी भाई पटेल कमीशन, ये भी मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला किया गया था, ठीक है। तो देखिए हिंदी में क्या हो जाएगा, भारत सरकार ने किस वर्ष ईश्वरी भाई पटेल आयोग नियुक्त किया था, ये एजुकेशन को लेकर ही किया गया था, तो कब किया गया था, तो 1977, ठीक है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका देखिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1977 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आप लोगों को कोठारी एक देख लेना, कोठारी वाला भी देख लीजिएगा, ठीक है, कोठारी कमीशन जो किया गया था वो भी देख लेना है आप लोग को, ठीक है। और एक 1977 मैंने बता ही दिया। फिर आगे देखिए विच इंस्टीट्यूट सुपरवाइजेज, है ना, निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण करना जिसको बोलते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस एंड प्रोवाइड्स सुटेबल गाइडलाइंस इन डिजाइनिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम्स। तो ये देखिए ये चारों ऑप्शन हर जगह घूम रहे, तो ये सारे को मैंने आपको बोल दिया है, फुल फॉर्म देख लेना है। अब हिंदी में देखिए क्या लिख रहा है कि कौन सा संस्थान शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों का पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण मतलब अभी मैंने बताया सुपरवाइजर जो क्या बोलते हैं सुपरविजन करते हैं वो देखिए, है ना, करता है और जिला स्तर के कार्यक्रमों को डिजाइन करने में उपयुक्त दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन में देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का बात किया गया है ना कि जिला स्तर के कार्यक्रमों को देख रेख करता है कौन सा संस्थान, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका कौन सा सही हो जाएगा, चार ऑप्शन वही है, तो SCERT ये भी स्टेट लेवल का ही जो है वही करेगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन साथ में देखते चलिएगा। आगे देखिए हु होल्ड्स द मोस्ट क्रूशियल रोल इन स्कूल स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। स्टूडेंट टीचर एजुकेशनल कमिटी चेयरमैन और हेडमास्टर, बोलता है कि जो स्कूल संरचना होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें से किसकी होती है, तो ये चार ऑप्शन में कौन से सही हो जाएंगे,
ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग याद करते चलिएगा। हेडमास्टर इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रधानाध्यापक, याद रखिएगा प्रधानाध्यापक हेडमास्टर, वही सबसे मेन होता है, क्रूशियल होता है, बच्चों को भी देखना रहता है, साथ में शिक्षकों को भी, वो क्या करते हैं सुपरविजन वाला काम करते हैं, पर्यवेक्षण वाला काम, निरीक्षण वाला काम करते हैं। तो यहाँ पर हेडमास्टर इसका आंसर सही हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो देखिए व्यूअर्स, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको झारखंड बीएड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए सबसे जो बेस्ट बुक है उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, जो है चक्षु पब्लिकेशन की। इस बुक से आपको मैं बता दूँ कि एग्जाम ओरिएंटेड ये बुक डिज़ाइन किया गया, आप देख पा रहे हो टारगेट क्रैक एग्जाम लिखा हुआ है, तो इस तरह से ये एग्जाम को देख कर ही डिज़ाइन किया गया है। और इनका जो भी आपका देख सकते हैं कि जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे यहाँ पर डिटेल्स में पूरे कवर किए गए हैं। डिटेल में देख लीजिए, सामान्य हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, आपका शिक्षण अभियोग्यता है जो कि आपको रीजनिंग बोलते हो जिसे आप, फिर यहाँ पे तार्किक योग्यता मतलब कि टीचिंग एप्टीट्यूड भी दिया हुआ है। संपूर्ण पाठ्यक्रमानुसार ये बुक आपका डिज़ाइन किया गया है, 2000 से भी ज़्यादा 2000 प्लस क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनका सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है। इसके साथ ही देखो 2 साल का सॉल्व पेपर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये बुक फुल्ली आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और सभी आपके सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर दिए गए हैं। तो ये बुक आप लोग जरूर एक बार, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से जाकर इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स मालूम कर लें, है ना। तो ये देख लीजिए जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं सारे कवर किए गए हैं। और एक चीज़ मैं इसका विशेष बात बता दूं आप लोग को कि हिंदी का हो गया, हिंदी का अलग से डिटेल्स दिया हुआ है, मतलब हिंदी सब्जेक्ट अलग से कवर किया गया है, फिर इंग्लिश का अलग से कवर किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सके इसके लिए रीजनिंग भी दिया गया है और साथ ही टीचिंग एप्टीट्यूड का अलग से आप लोग को दिया गया है। तो इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको क्या होगा कि एग्जाम क्रैक करने में आसान होगा। तो ये बुक का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, सारा डिटेल्स वहाँ से आप पता कर लें। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सेकेंडरी एजुकेशन। तो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी एजुकेशन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। तो ये देख लीजिए CBSE आप लोग का यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन के लिए है, तो यहाँ पे CBSE इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4th ऑप्शन। आगे देखिए, द मेन पर्पज ऑफ माइक्रो टीचिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग को लेकर क्वेश्चन आता है, टू करेक्ट द डिफेक्ट्स इन स्टूडेंट्स। और आगे देखिए क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स इन द टीचर, डेवलपमेंट ऑफ द टीचिंग स्किल्स ऑफ द टीचर, 3rd ऑप्शन है, 4th ऑप्शन है कि डिस्क्लोजिंग द इंस्पेक्शन डिफेक्ट्स ऑफ द हेडमास्टर। तो क्या पूछ रहा है कि शिक्षण, इसको सूक्ष्म शिक्षण बोला जाता है, का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों में दोषों को ठीक करना, गुरु के दोषों को प्रकट करना, शिक्षक के शिक्षण कौशलों का विकास और खुलासा करना। तो यहां पे ये देखिए कि जो भी आपको यहां पे टीचिंग, आप लोग टीचिंग करने जा रहे हो तो टीचिंग को लेकर जो ज़्यादा सुटेबल लगेगा, जो ज़्यादा मतलब कि अप्रोप्रिएट लगेगा, वही ऑप्शन के लिए आप लोग जाना। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही लग रहा है, दोष को प्रकट हम लोग नहीं करेंगे सूक्ष्म शिक्षण में। एक बात मैं और बता रहा हूँ, सूक्ष्म शिक्षण का परिभाषा अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का परिभाषा क्या है कि जब हम एक कौशल पर विभिन्न विभिन्न तरह का अंतर करते हैं, मतलब कि एक स्किल पर हम डिफरेंट डिफरेंट तरह से चेंजेस लाते हैं, कोशिश करते हैं और कोई एक टॉपिक को हम लोग किसी समय में किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, उसी को सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। कि जब किसी टॉपिक को हम किसी एक स्किल के मतलब की हेल्प से बार बार उसमें डिफरेंस करते हुए, थोड़ा सा डिफरेंस करते हुए, ताकि इस तरह से ज़्यादा समझ में आएगा और उस तरह से करके समझाने की कोशिश करते हैं, उसे सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिक्षक के शिक्षक कौशल का विकास। तो यहाँ पर शिक्षण कौशल का बात हो रहा है, टीचिंग स्किल का बात हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ द टीचिंग स्किल्स ऑफ द टीचर, ये आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, सबसे सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो रोल इन क्लासरूम एक्टिविटी, क्लासरूम एक्टिविटी में किसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, एडमिशंस एंड विदड्रॉल्स रजिस्टर, सेकेंड में दिया प्रोग्रेस कार्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, और फोर्थ में दिया द टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, हिंदी वाले, कि निम्नलिखित में से किसकी कक्षा गतिविधि की बात हो रहा है, जो कक्षा में घूम घूम कर जो किया जाता है गतिविधि, में से कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। तो प्रवेश और निकासी रजिस्टर, प्रगति कार्ड और संचयी रिकॉर्ड, छात्र की उपस्थिति रजिस्टर। तो ये देखिए, प्रगति कार्ड तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह का कक्षा का गतिविधि के लिए, ताकि आगे का प्रोग्रेस पता चलता है। संचयी रिकॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, प्रवेश और निकासी रजिस्टर। ये किसी भी तरह का क्लासरूम की एक्टिविटी में कोई तरह का रोल यहाँ पे मतलब नहीं होता। छात्र का उपस्थिति रजिस्टर भी बताता है कि कितने बच्चे यहाँ पे आज उपस्थित हैं, कितने प्रेजेंट हैं और कितने एबसेंट हैं, इससे पता चलता है कि कितने बच्चे मतलब कि पढ़ाई को लेकर फोकस्ड हैं और कितने बच्चे आज एबसेंट किए हैं, ये सारी चीज़ यहाँ से, ये रिकॉर्ड्स, ये तीनों से पता चलता है। लेकिन ये वाला से, प्रवेश और निकासी रजिस्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कक्षा गतिविधि के लिए ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर इसका कोई भूमिका नहीं है,
चलिए 10th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द एजुकेशन कमीशन अपॉइंटेड इन 1958। ये भी देखिए अभी मैंने आपको बताया था ईश्वरी वाला जो मतलब बताया था कमीशन का, और फिर आपको मैंने बताया कि कोठारी कमीशन देख लीजिए। अब यहाँ देखिए 1958 में बोल रहा है कि नियुक्त शिक्षा आयोग क्या है, नियुक्त शिक्षा आयोग कौन सा है, यहाँ पे देख लीजिए सारा का आप लोग देख लीजिएगा एक बार कौन कौन कब से अपॉइंट मतलब हुआ है, ये सब आपको मैं बोल रहा हूँ होमवर्क के तौर पर देख लीजिएगा। कोठारी, लक्ष्मी लक्ष्मण स्वामी ये देख लीजिएगा, दुर्गा भाई, ये सभी आप लोग को देख लेना है। मैं फिर से बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसी तरह से प्रिपरेशन करते चलिए, सारे का कमीशन का देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देख लीजिएगा, हिंदी में सारजेट कमीशन, कोठारी कमीशन, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार कमीशन और दुर्गा भाई देशमुख। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 1958 में दुर्गा भाई देशमुख शिक्षा आयोग चला था। चलिए आगे देखिए, हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन टीचिंग, बोलता है शिक्षण में भाग लेने वाले कौन है। टीचर्स सिर्फ भाग लेते हैं क्या पार्टिसिपेट, नहीं, स्टूडेंट्स सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं। हम लोग जब भी क्लासरूम में होता है इंटरेक्शन होता है, तो इंटरेक्शन हमेशा स्टूडेंट्स और टीचर्स के दोनों के बीच में होता है, ठीक है। याद रखिएगा एक होता है वेरिएबल, तीन तरह के होते हैं याद रखिएगा वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट, और एक होता है जो दोनों का मध्यस्थता का काम करे। तो इंडिपेंडेंट हो गया यहाँ पे टीचर और डिपेंडेंट हो गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे दोनों के इंटरेक्शन के बीच में जो होता है वही यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पार्टिसिपेंट्स तो ऐसे दोनों हैं, तो इंक्लूड करके हम बात करेंगे ना, हमेशा ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट को छोड़कर सिर्फ हम बोलेंगे डिपेंडेंट सिर्फ स्टूडेंट यहाँ पे वेरिएबल है, नहीं, सभी वेरिएबल को लेकर अगर हम चले तो स्टूडेंट्स और टीचर दोनों यहाँ पे हो जाएगा। सोसाइटी का यहाँ पे मतलब नहीं है, क्लासरूम का बात हो रहा है, तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आपका यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हो जाएगा टीचिंग में, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। लेकिन वही पूछेगा कि इंडिपेंडेंट मतलब कि स्वतंत्र चर जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, तो स्वतंत्र चर यहाँ पे कौन हो जाता है, टीचर। ये भी क्वेश्चन आता है याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट अगर वेरिएबल पूछ दे तो टीचर होगा, और अगर अस्वतंत्र डिपेंडेंट को हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं, निर्भर बोलेंगे, हाँ निर्भर वाला जो चर होगा, निर्भर वाला चर वो स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है। और दोनों के बीच में जो सामंजस्य वाला बात हो गया, इंटरेक्शन वाला हो गया, तो ये स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। आगे देखिए शिक्षण में भाग लेने वाले कौन है, तो यहाँ पे छात्र और शिक्षक ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो यार, तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस ना आप लोग लॉजिकली जब हम बता रहे हैं डिफाइन कर रहे हैं, तो आप लोग सुनते चलोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है कि आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे कंप्लीट करवाते जा रहा हूँ, 10 सेट करवाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को बेफिक्र रहना है, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। 12वां नंबर क्वेश्चन करवाने से पहले मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ कौन सा चैनल मैं अपने स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीएड का रहेगा। ये वाला चैनल में क्या हो रहा है कि बोर्ड वाले बच्चे भी आ जा रहे हैं जो बोर्ड का एग्जाम देते हैं 10th का 12th का, और आप लोग भी आ रहे हो बीएड वाला, तो मैं सोच रहा हूँ बीएड वालों का एकदम अलग कर दूं टीचर्स वाले बच्चों का। तो ये देखिए लर्नर्स ग्लोब मैंने करके एक चैनल बनाया है यूट्यूब में, ये आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, सभी अपडेट और जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल लर्नर्स ग्लोब आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है, वो आपको मिल जाएगा, कमेंट में पिन कर दूंगा चैनल का लिंक, जरूर सब्सक्राइब कर लो, मैं फिर से बता रहा हूं। और यूट्यूब चैनल का देख लीजिए नाम रहेगा लर्नर्स ग्लोब, ठीक है, और आप लोग को लोगो भी दिख रहा होगा इस तरह से करके रहेगा, है ना। और इंस्टाग्राम आईडी देख लीजिए, दो इंस्टाग्राम आईडी है, जरूर फॉलो कर लेना, फिर से बता रहा हूं, एक है लर्नर्स ग्लोब और एक है नवाभा में 450 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो दोनों सब्सक्राइब कर लो, और ये नया है तो दोनों को सब्सक्राइब कर लेना, ये जो नाम दिख रहा है ना कहीं पे भी स्पेस नहीं है, दोनों को सर्च मार के दोनों को फॉलो कर लेना, सभी तरह का अपडेट यहाँ पे मिलेगा। और टेलीग्राम ग्रुप का देखिए लिंक यहाँ पे दे दिया है मैंने, सभी जाके सोशल मीडिया के लिंक दे दिए हैं ताकि आप लोग जल्दी से कनेक्ट कर जाओ, बाद में आप लोग को दिक्कत ना हो। लर्नर्स ग्लोब करके टेलीग्राम का नाम है, हमेशा शुरू से लेकर एडमिशन जब तक आपका क्लोज कॉलेज में नहीं हो जाता है, और कॉलेज में जो पढ़ाई होगा वो सारा चीज़ यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट नोट्स के द्वारा दिया करूँगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और ये इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो, इतना काम आप लोग कर लो। तो चलिए 12th नंबर क्वेश्चन में थे हम लोग, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना उसका जो मैंने वहाँ पे दिखाया था, सभी से जुड़ जाइए आप लोग। देखिए व्हाट इज द लर्निंग मेथड दैट पॉइंट्स आउट द एरर्स, पॉइंट आउट किसको करना है एरर्स को, एंड रेक्टिफाइज देम इमीडिएटली, बोलता है कि हम लोग एरर्स को फाइंड आउट करते हैं मतलब कि निकालते हैं पॉइंट आउट करते हैं, और रेक्टिफाइज मतलब उसको सुधारते भी हैं। तो सीखने की कौन सी विधि है जो त्रुटियों को इंगित करती है और उसे तुरंत ठीक करती है, तो कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, डिस्कशन मेथड है ना, क्वेश्चन आंसर मेथड, फिर देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, अनुमानी मेथड भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सभी आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, प्रोग्राम लर्निंग ये जितने भी आप लोग को मेथड दिया हुआ है ना, ये सभी का सभी आपको ऐसे भी जाके जो 2 साल का करिकुलम आपका बीएड का वहाँ पे पढ़ना ही है ना। तो याद रखिए कि ये सारे क्वेश्चंस ज़्यादा डीप में नहीं जाना, लेकिन याद रखिए कि सीखने की विधि पूछा जा रहा है जिसमें त्रुटियों को हम लोग पकड़ते हैं और तुरंत उसको ठीक करते हैं, तो ये प्रोग्राम्ड लर्निंग के अंदर आता है, याद रखिए प्रोग्राम्ड लर्निंग के अंदर। तो देखिए 4th ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही दिया है, ठीक है,
और ये प्रश्नोत्तरी क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोग। तो ये प्रोग्राम्ड लर्निंग के अंदर आएगा। अनुमानी विधि ये आप लोग को डिटेल्स में आगे पढ़िएगा, लेकिन जो जो ज़्यादा पूछ सकता है एक प्रश्नोत्तरी विधि बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। प्रश्नोत्तरी विधि क्या होता है कि प्रश्नोत्तरी विधि को क्वेश्चन मेथड क्या दिया हुआ ऊपर देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड। यहाँ पर क्या होता है कि टीचर पहले क्वेश्चन करेगा कि आप लोग क्या खाते खा के आए हैं सुबह, तो बच्चे बोलेंगे कि मैं फूड खा के आया हूँ, भोजन खा के आया हूँ, जो भी बोलेगा या मील खा मील लिया हूँ, तो जो भी बोलेगा कि फूड, तब आप पूछेगा कि क्या क्या लिए हो, तो बोलेगा कि सर मैंने ऑरेंज लिया है, ठीक है, या फिर कुछ और लिया है, तो बोलिएगा कि कौन कौन से पेड़ से फले हुए फल को खा के आए हुए हैं, तो सभी बताएंगे। तो आप लोग बताइएगा कि फल आप लोग जो खाए हैं, सब्जियां जो खाए हैं, जो चावल खाए हैं, वो कहाँ से मतलब कि तोड़ के लाए हैं, तो सभी बच्चे बोलेंगे पेड़ पौधे से। तो फिर आप लोग ये बोल सकोगे कि हम आज आप लोग को जो टॉपिक लेने जा रहे हैं पेड़ पौधों के बारे में लेने के जा रहे हैं, ठीक है, पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको टॉपिक मिल गया और फिर वो टॉपिक पर पढ़ने के पढ़ाने के लिए आगे जाओगे, तो उन लोग को पता भी नहीं चलेगा। वो लोग के आप लोग का जो मन में होता है ना, उन लोग के बच्चों के इंस्टिंग मतलब कि अंदर से आप निकालोगे कि कौन सा चैप्टर हम लोग को आज पढ़ाना है, तो ये आप लोग को जाके आगे जाके और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। बच्चे खुद उनको नहीं पता चलेगा कि सर किताब का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उनको यही लगेगा कि पेड़ पौधे तो हमने बताया सर को, तो वही मतलब कि टॉपिक सर बता रहे हैं, लेकिन आप उसको प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा ये निकलवाओगे कि कौन सा टॉपिक हमको पढ़ाना है, और उनको पता भी नहीं चलेगा और किताब का टॉपिक भी आप कंप्लीट कर दोगे। तो ये होता है आपका प्रश्नोत्तरी विधि। और फिर चर्चा पद्धति तो आप लोग को पता ही होगा, कोई भी आप लोग को टॉपिक जो है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि पेड़ पौधे किसने देखे हैं, किस तरह के पेड़ देखे हैं, ऊँचे देखे हैं, बड़े देखे हैं, छोटे देखे हैं, और छोटे में क्या लगते हैं, छोटे में फल सब्जियाँ लगती हैं, बड़े में क्या लगते हैं, वो सारे चीज, ठीक है। तो प्रोग्राम्ड लर्निंग आ जाएगा यहाँ पे। अब चलो 13th नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट पार्ट ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो देख लीजिए, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, डिबेटिंग कॉम्पिटिशन, फिर होमवर्क और एक्सकर्सन। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हिंदी में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्येतर गतिविधियों का हिस्सा नहीं है, निबंध लेखन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, होमवर्क और प्रभ्रमण। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाठ्येतर गतिविधियों का हिस्सा नहीं है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा होमवर्क, ये आप लोग का इसके अंदर नहीं आता है पाठ्येतर गतिविधि के अंदर, बाकी ये सारा आता है, ठीक है। चलिए 14th नंबर क्वेश्चन देखिए कि वेयर इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल मुक्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय सॉरी कहाँ है। तो ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए हुए हैं, न्यू दिल्ली, बेंगलोर और कर्नाटक, कोलकाता और हैदराबाद। तो इसका ऑप्शन आपका बिल्कुल सरल हो जाएगा, ऑप्शन 1 आपका नई दिल्ली, क्या हो जाएगा, नई दिल्ली, ठीक है। 15th नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि हु हेल्प्ड टू कैटेगराइज द पीपल एज एक्सट्रोवर्ट्स, इंट्रोवर्ट्स एंड एम्बिवर्ट्स। आप लोगों को पर्सनैलिटी पता होगा कि आदमी का 3 तरह का होता है, एक्सट्रोवर्ट जो बहुमुखी होता है, इंट्रोवर्ट जो खुद में रहता है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, और एम्बिवर्ट जिसमें दोनों मतलब कि दोनों तरह का गुण होता है, क्वालिटीज़ होता है। तो देखिए बेनेट, यंग और फिर सेल्डन और रूशो, तो ये सारे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी के रूप में लोगों को वर्गीकृत करने में किसने मदद की है, तो ये देखिएगा, थोड़ा सा आप हिंदी वाले यहाँ पे इसका ऑप्शन सही कर लीजिएगा, यहाँ पे यंग होगा, वाई ओ यू एन जी, यंग, या फिर हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे यंग, युवा नहीं होगा, ये डायरेक्ट हिंदी कर दिया, सेल्डन रूसो। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, चलिए दिखा देते हैं आप लोग को, ऑप्शन नंबर 2 यंग सही हो जाएगा, यंग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, आप लोग शुरुआत करेक्ट कर लीजिएगा। तो यही उन्होंने वर्गीकृत करने का मदद किया। तो ये आप लोग ऑप्शन, ये स्टेटमेंट और फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है ये आप लोग याद रखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, फैक्ट और स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर आप स्कोर कर पाओगे। 16th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, हु डिवाइडेड पीपल इनटू 3 काइंड्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ देयर फिजिक, फिजिक के हिसाब से किसने डिवाइड किया, यहाँ पे पूछ रहा है, यही चार ऑप्शंस फिर से हैं कि उनके शरीर के आकार के अनुसार 3 भागों में जो विभाजित किया है, तीनों में से कौन है, यहाँ पे यंग इनको सुधार लीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, यंग होगा इसका ऑप्शन हिंदी में, युवा नहीं लिखेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सेल्डन, क्या हो जाएगा, सेल्डन, यहाँ पे शरीर के आकार के हिसाब से हुआ और ऊपर पर्सनैलिटी के हिसाब से हुआ। अब यहाँ पे देखिए, तो इस तरह के ऑप्शन याद रखिएगा कि कौन से पर्सनैलिटी के हिसाब से किसने किया था, तो यंग ने, और अभी आपको मैंने ये बताया कि सेल्डन ने कैसे किया था, सेल्डन ने आपका किया है आपका शरीर का फिजिक के हिसाब से, मतलब कि शरीर के बनावट के हिसाब से, ठीक है। आगे देखो, हु इज एफ एन फ्लैंडर्स, बोल रहा है कि एन फ्लैंडर्स कौन है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिया हुआ, प्रेसिडेंट दिया हुआ ऑफ एनसीटीई, डिजाइनर ऑफ टीचिंग मटेरियल्स, और आगे दिया एन एजुकेशनलिस्ट हु एनालाइज्ड द इंटरेक्शंस इन क्लास, और प्रेसिडेंट ऑफ द इवोल्यूशन कमेटी। देखिए हिंदी में क्या क्या ऑप्शन है, एनसीटी के अध्यक्ष हैं, शिक्षण सामग्री के डिजाइनर हैं, एक शिक्षाविद जिसने कक्षा में अंतः क्रियाओं का विश्लेषण किया, और मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा ये सारे फैक्ट्स बेस्ड हैं, एक शिक्षाविद जिसने कक्षा में अंतः क्रियाओं का विश्लेषण किया, ठीक है।
ऑप्शन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए कि विच टूल्स कॉम्प्लीमेंट द टीचर्स वर्ड्स, है ना, कौन सा उपकरण शिक्षक के शब्दों के पूरक हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, टेक्स्ट बुक्स, लेसन प्लान्स और टीचिंग एड्स और टीचिंग मेथड्स। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देख लीजिए, पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य योजनाएं, शिक्षक सहायक सामग्री और शिक्षण विधियाँ। तो आपको ऑप्शन नंबर बिल्कुल 3 हो जाएगा सी, ठीक है, टीचिंग एड्स। इसके अंदर सभी आ जा रहे हैं, जितना भी चीज़ दिया हुआ ना टीचिंग एड्स के अंदर ही आएगा। तो शिक्षक सहायक सामग्री इसको बोलते हैं जो उसके पूरक कहलाते हैं। 18th नंबर क्वेश्चन तक ही मैंने यहाँ पर सेट वन में करवाया है, अब आगे के सेट में और मैं कंप्लीट करवाऊंगा आप लोग को, ठीक है। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि हिंदी का भी मैं करवा रहा हूँ और इंग्लिश का भी कुछ कुछ सेट करवा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लर्नर्स ग्लोब जो मैंने चैनल बताया फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ ये वाला। और यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी जुड़ जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ के रहोगे तो ज़्यादा फायदा में होगा आप लोग को, क्योंकि कोई भी चीज़ मिस नहीं होगा। तो आप लोग इंस्टाग्राम में भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं मुझे कि कैसे प्रिपरेशन करना है, तो मैं वहाँ पे मैसेज करता हूँ, मतलब कि सभी वहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 450 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए नवाब हमें, और लर्नर्स ग्लोब नया है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले बच्चे रहेंगे। तो दोनों आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ये दोनों को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम को, ठीक है। और ये यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है, और एक और जो यूट्यूब चैनल है जो मैंने नया बनाया है लर्नर्स ग्लोब, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को तैयारी करने में ध्यान दीजिए, और जो भी है आप लोग को सब तरह का कंप्लीट होगा, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन सभी वीडियोस लगातार देखते चलने सीक्वेंस में और तैयारी साथ साथ करते चलना है, ठीक है। और जो भी है सभी तरह का गाइड मैं करते चलूँगा। धन्यवाद।